हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी 2024 आ गया है और आज मैं बिहार पटना में हूँ। तो नया साल का मुबारक हो सबको। और मैं आज जाऊँगा नालंदा। तो चलिए, तो कितना खड़ा है ये फ्लाईओवर, मैं उसको क्रॉस कर रहा हूँ अभी। और सामने देखो कितना बड़ा एक सिख लोगों का कितना बड़ा वो सिंबल है। तो आज हम जाएंगे नालंदा विश्वविद्यालय और हैप्पी न्यू ईयर का सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज कल मेरे साथ बुरा हादसा हुआ था और वो छोड़ दो जो बीते साल हुआ था, बीते साल में ही हम छोड़ रहे हैं क्योंकि आज नया साल शुरू होने वाला है और पीछे का टाइम मैं याद नहीं करना चाहता। तो चलो, तो दोस्तों अभी हम नालंदा के रास्ते में जा रहे हैं और आज बहुत ही ठंड है। वैसे एक हफ्ते से बहुत ठंड चल रहा है और मेरा हाथ भी सुन पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, चलो जाएंगे आज नालंदा। नालंदा जाके फिर देखते हैं क्या होता है। तो अभी सुबह बहुत पैडल मार चुके हैं, अभी थक गए हैं। अभी देखते हैं किधर खाना पीने की दुकान मिलता है या लिट्टी खा लेंगे, तो फिर से चलेंगे सामने क्योंकि बहुत थके हैं। अभी इधर रुक गए हैं चौराही पे, फतवा पे, चाय वाय पी रहे हैं हम लोग। और ये रहा मेरे प्यारी साइकिल। आए पी के, थोड़ा सा बिस्कुट खा के अभी निकल चुका हूँ सामने। तो चलिए, आज 70 किलोमीटर और भी है, जाना पड़ेगा। अभी भी 20 किलोमीटर में आ गया। जाते जाते कितना टाइम लगेगा वो भी हमको मालूम नहीं, तो जाना तो पड़ेगा, नहीं तो किधर रुकेंगे। तो चलो, तो मेरे पीछे वो स्ट्राइक हो रहा है अभी, किस बारे में पता नहीं, अगर हो रहा है आग जला के तो पीछे खाना वाना करके अभी निकल चुका हूँ सामने नालंदा के लिए। नालंदा अभी 50 किलोमीटर दूर है। तो चलो, तो अभी मैं बहुत दूर आ गया, अभी नालंदा मेरे इधर से 40 किलोमीटर होगा शायद। ये रास्ता एकदम ऐसा, एकदम खुला, एकदम एक भी गाड़ी नहीं है अगल बगल में। गाड़ी एक आ रहा है तो 5 मिनट बाद एक आ रहा है, एकदम खुला रास्ता है, डर भी लग रहा है। तो दोस्तों अभी मैं खाना पीना किया और जिधर खाना पीना किया उधर पैसा नहीं लगा, अच्छा बात है, पैसा भी बच गया अभी। हेलो दोस्तों, तो जाते समय मैं अभी नालंदा जा रहा था, तो मेरे बंगाल से मेरे बंगाली सब भाई और दोस्त मिल गए एक साथ। और अभी इन लोगों का अयोध्या का टूर है, तो अभी अयोध्या जाएगा, उसके बाद फिर से वो घर जाएगा। मैं यही चाहूँगा सब अच्छे से जाए, अच्छे से टूर हो जाए। तो मिल के बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब ट्रैवलर के साथ मिलते हैं तो मन का सुकून और शांति मिलता है। जरूर जरूर, जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं भी हूँ जय श्री राम। लोगों ने देखा मैं वो भाई लोग को छोड़ दिया अभी पीछे और मैं भी जा रहा हूँ सामने नालंदा के लिए। तो भाई लोग सब चले गए अभी पीछे हैं, वो लोग अच्छे से जाए, यही मैं चाहूंगा सबसे। जाने के टाइम एक टूरिस्ट स्पॉट देखा, इसका नाम है हिरण्या पर्वत, बहुत ही बड़ा है, शायद जाएंगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरे पीछे लिखा हुआ है अभी नालंदा इधर से 6 किलोमीटर दूर है। तो फाइनली आई रीच हियर, और 10 किलोमीटर सॉरी 6 या 7 किलोमीटर होगा। तो फाइनली दोस्तों मेरा डेस्टिनेशन आ ही गया है और थोड़ा सा दूर, इतना सफर का फल मीठा होता है बोलता है ना, ठीक वैसे ही। दोस्तों मैं गया था नालंदा में, तो उधर 1 घंटा तक रुकने के लिए कोई जगह भी नहीं मिला। तो अभी क्या करेंगे, अभी फिर से राजगढ़ जा रहे हैं 12 किलोमीटर नालंदा से। अभी आज का दिन बहुत ही खराब है मेरे लिए, तो आज राजगीर पहुंच गए क्योंकि आज का सिचुएशन बहुत ही खराब था, नालंदा में रहने के लिए जगह नहीं मिला। आज क्या करेंगे, हर दिन तो समान नहीं हो सकता ना। तो चलो, रुकने के लिए रूम नहीं मिला था, तो फाइनली एक रूम मिल गया जो कि 200 से देख सकते हो इसका ऐसा है। तो अभी क्या करेंगे, अभी नालंदा में रुक नहीं पाए तो आज इसलिए चले इधर इधर से, कल जाएंगे शायद, गया तो चलती है, चलो देखते हैं क्या होता है।